hello everyone how are you hope all of you are good and fine today we will do good habits and school brigade we will do explanation of the lesson question answer and internal exercise of this lesson let's start target learning outcomes first students will be able to know about good habits in life they will understand what are good habits दे विल नो अबाउट गुड हैबिट्स इन हाउस दे विल नो अबाउट गुड हैबिट्स इन द स्कूल गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स क्या होती है बच्चों अच्छी आते हैं गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फ़िट ये हमें जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं वी मस्ट प्रैक्टिस गुड हैबिट्स इन अवर डेली लाइफ हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुड हैबिट्स की आदत होनी चाहिए कीपिंग क्लीन अपने आप को साफ रखना ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे हमें दो बार अपने दांतों को साफ करना है कब कब मॉर्निंग एंड नाइट सुबह और रात को टेक अ बाथ विथ सोप एवरी डे हर रोज हमें साबुन से नहाना है एंड यूज़ ए क्लीन टावल टू वाइप योर सेल्फ और अपने आप को एक साफ टावल से साफ करना है ये देखिए बच्चा टथब्रश कर रहा है ठीक है Wear क्लीन क्लोथ एंड कोम your हेयर हमेशा साफ सुथरे कपड़े डालने हैं और अपने कंग कंघे से अपने बालों को बनाना है Wash your यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर eating. खाना खाने से पहले और खाना ना खाने के बाद अपने हैंड्स को क्लीन करना है देखिए ये छोटी सी बच्ची अपने हाथों को क्लीन कर रही है Trim यूर नेल्स रेगुलरली हमें अपने नाखूनों को काटना है रेगुलरली काटना है ये देखिए ये बच्चा जो है अपने नाखूनों को काट रहा है और नाखून हमें इधर उधर नहीं फेंकने ये देखो एक पेपर पर इकट्ठे करके उसे डस्टबिन में डालना है कीप य आइज ईयरस एंड नोज क्लीन हमें अपनी आँखों को कानों को और नाक को साफ रखना है कीपिंग फिट अपने आप को हमें फिट कैसे तंदुरुस्त कैसे रखना है वेकअप अर्ली एवरी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना है रात को जल्दी सोने जाना है ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज डेली हर रोज़ हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है इट विल मेक योर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ये देखिए ये बच्चा जो है क्या कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है ठीक है ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है हमें मजबूत बनाता है ट्राई टू प्ले आउटडोर्स हमें जो है आउटडोर गेम खेलनी है प्लेइंग गेम्स रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर हेल्थ रनिंग और स्विमिंग की गेम खेलने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है टेक प्रॉपर रेस्ट हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है ए गुड स्लिप मेक अस फील फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी एक अच्छी नींद जो है हमें फ्रेश फील करवाती है और हमें एनर्जी से भरपूर बनाती है अ फ्यू मोर थिंग्स ऑलवेज सिट वॉक एंड स्टैंड स्ट्रेट हमेशा हमें सीधे बैठना है सीधे चलना है और सीधे ही खड़े होना है अपनी कमर नहीं झुकानी हमें यूज यूर हैंकी वायल स्नीजिंग और कफिंग जब भी हम स्नीज कर रहे हैं छींक रहे हैं या फिर हम खांस रहे हैं तो हमें हैंकी अपने मुंह पर रखना है देखिए जैसे ये बच्चा कर रहा है डू नॉट बाइट योर नेल्स अपने नाखूनों को मुँह से नहीं काटना जैसे ये लड़की कर रही है ये नहीं करना हमें दिस इज़ बैड हैबिट ईट फ्रॉम योर ओन प्लेट अपनी प्लेट से ही खाना खाना है अपने गिलास से ही पानी पीना है हमें जो है अपने घर की दीवारों पर या स्कूल की दीवारों पर कुछ नहीं लिखना डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड हमें रोड पे या फ्लोर पे घर के कुछ भी थूकना नहीं है स्पिट मिस थूकना यूज अर डस्टबिन टू थ्रो द वेस्ट वेस्ट फेंकने के लिए हमें डस्टबिन का यूज़ करना है कीप योर थिंग्स एट ए प्रॉपर प्लेस हमें अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर ही रखनी है जैसे ये लड़की रख रही है Do नॉट वर्ल्ड इधर उधर दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी डू नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हमें जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी टर्न ऑफ द टैप एंड also switches when not इन यूज जब ये यूज़ में ना हो तब हमें इन्हें बंद कर देना चाहिए लर्न टू रिसाइकल थिंग्स स्पेशली पेपर पेपर को रिसाइकल करना चाहिए ताकि उसकी और चीज़ें बन जाए देखिए यहाँ बच्चे लड़ रहे हैं ये नहीं करना पेपर को रिसाइकल करना है अगर हमें कोई टैप चलती हुई दिखी और पानी बह रहा हो तो उसे बंद कर देना है हैबिट्स दैट अस फिट एंड हेल्दी वो हैबिट्स जो हमें फ़िट और हेल्दी बनाती हैं गुड हैबिट कहलाती हैं एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज डेली करनी है ये हमारी हड्डी और मसल को स्ट्रोंग बनाती है हमें एक्टिव रखती है जिससे हम थकते नहीं हैं प्लेइंग गेम्स इज आल्सो ए गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज गेम्स खेलना भी एक व्यायाम का ही हिस्सा है क्लीनलीनेस साफ सफाई वी मस्ट कीप आवर सेल्स क्लीन हमें अपने आप को साफ रखना है हेयर आर सम रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस वी मस्ट फॉलो देम हमें इन्हें फॉलो करना है ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे हमें जो है अपने दांतों को दो बार साफ़ करना है टेक बाथ डेली हमें हर रोज स्नान करना है Comp your हेयर डेली wear नीट एंड क्लीन clothes हमें जो है साफ़ सुथरे कपड़े डालने हैं wash यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साफ करने हैं क्लीन your nose विद ए क्लीन हैंकी हमें अपने नाक को क्लीन हैंकी से साफ करना है ट्रिम your नेल्स रेगुलरली हमें अपने नेल्स रेगुलरली कट करने हैं कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस प्रॉपर प्लेस पर अपनी चीज़ें रखनी है पोस्चर हमें जो है अपना पोस्चर सही करना है हमेशा हमें सीधे पोस्चर में रहना है यानी सीधे खड़े होने हैं सीधे बैठना है सीधे ही चलना है We should stand with our back straight and keep the chest out. हमें जो है अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए चेस्ट को बाहर निकालते हुए चलना है देखिए जैसे ये बच्चा है We should sit with our back straight. हमें बैक स्ट्रेट के साथ ही बैठना है देखिए जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है We should never stoop. We should always hold our head high. हमें हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना है झुकाना नहीं है ए गुड पोस्चर कीप्स अस फिट एंड हेल्दी गुड पोस्चर हमें जो है तंदुरुस्त और स्वस्थ रखता है रेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टे हेल्दी हेल्दी रहने के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए ये हमें हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है स्लीपिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग रेस्ट सोने जो है हमारे दिनचर्या का सबसे अच्छा रेस्ट है फूड वई शूड ईट ए बैलेंस डाइट हमें जो एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए इट शुड इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड हमें जो है अपनी बॉडी के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल दूध एनर्जी देने वाले खाने बॉडी बिल्डिंग फूड ये सब खाने चाहिए वई शूड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वई शूड टेक फूड एट द प्रॉपर टाइम हमें जो है बहुत सारा पानी पीना चाहिए और बहुत सारा खाना टाइम पर खाना चाहिए ठीक है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है ये नहीं कि ओवर ईटिंग करें लेकिन जितने हमारे शरीर को जरूरत है उतना ही खाना खाना चाहिए इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स हेल्प बॉक्स के द्वारा हमें फिलअप करने हैं पोस्चर एक्टिव स्लीपिंग अर्ली एक्सरसाइज मेक्स अस एक्टिव वेकअप अर्ली ठीक है इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना चाहिए डैश इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग रेस्ट स्लीपिंग राइट पोस्चर कीप्स अस हेल्दी राइट पोस्चर हमें क्या बनाता है हेल्दी बनाता है ठीक है नेक्स्ट इज ऑलवेज आंसर द गिवन क्वेश्चन वाई शुड वी एक्सरसाइज राइट एनी फोर रूल्स ऑफ क्लिनलीनेस वट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेकिंग रेस्ट वट टाइप ऑफ फूड शुड वी ईट ये हम अभी करेंगे ड्रा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन हमें जो है क्लू दिए गए हैं इससे हमें जो है क्लॉक बनानी है क्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हैंड्स बनाएंगे जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो अप सिक्स ओ क्लॉक ठीक है हम सिक्स ओ क्लॉक उठते हैं तो हम क्या बना देंगे सिक्स ओ क्लॉक बना क्लॉक बनाएंगे यहाँ पे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हो ब्रेकफास्ट अगर सात बजे लेते हो तो सात बजे का टाइम डाल देंगे उसके बाद रेडी टू गो टू स्कूल स्कूल के लिए अगर आठ बजे तैयार होते हो तो आठ बजे का टाइम डाल देंगे उसके बाद बैक टू होम होम कितने बजे आते हो तीन बजे आते हो तो तीन बजे तो का टाइम डाल देंगे हम उसके बाद गो टू बेड रात को अगर सात बजे आठ बजे अगर आप सोने के लिए जाते हो तो वही टाइम हम डाल देंगे नेक्स्ट इज़ प्लीज़ टिक द राइट पोस्चर एंड क्रॉस द रोंग वन रोंग जो है उसे क्रॉस करना है ये रोंग है हमारा ठीक है ये अनटाइडी है ये रोंग है फुटबॉल घर में नहीं खेलनी ठीक है हमें अपनी प्लेट से ही खाना खाना है कफ या स्नीज करते हुए हमें क्या करना है हैंकी रखना है और ये हमें क्या करना है राइट पोस्चर में बैठना है आपको जो है गुड हैबिट्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है ये ठीक है फिल इन द ब्लैक्स विद द राइट वर्ड राइट वर्ड के साथ हमें फिलअप्स करने हैं अर्ली क्लीन कॉम्ड लेट अनकॉम्ड बैग डस्टबिन हैंकी वेकअप डैश इन द मॉर्निंग वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग दिस इज नंबर वन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए यूज़ योर हैंकी जब हम स्नीज कर रहे हैं तो हमें क्या करनी है हैंकी का यूज़ करना है ठीक है यूज़ डैश टू थ्रो वेस्ट डस्टबिन का यूज़ करना है हमें वेस्ट को थ्रो करने के लिए कीप योअर हेयर कोम्ब क्या करने हैं हमें अपने हेयर कोम्ब रखने हैं नंबर फोर ठीक है वीअर डैश क्लॉथ्स एवरी डे क्लीन क्लोथ्स ठीक है, है? साफ़ सुथरे कपड़े हम डाल लेंगे क्लीन क्लोथ्स ऑलवेज इट वॉक एंड स्टैंड स्ट्रेट हमेशा हमें सीधे खड़े रहना है सीधे ही बैठना है ठीक है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो राइट द नंबर ऑफ द बॉक्स इंडिकेटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिज एक्टिविटीज़ सबसे पहले हम उठेंगे उठने के बाद हम क्या करेंगे ब्रश करेंगे नाओ गो टू बाथ ठीक है वियर क्लोथ्स टे सॉरी टेक ब्रेकफास्ट एंड लास्ट इज गो टू स्कूल ओके नेक्स्ट इज मैच द गिवन हैबिट्स विथ द थिंग्स ट्रिमिंग नेल्स कफिंग एंड स्नीसिंग ब्रशिंग टीथ कोम हेयर्स थ्रोइंग वेस्ट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फिफ्थ एक्टिविटी टाइम इसमें हमें टिक और क्रॉस करना है जो काम आप करते हो वेकअप अर्ली रोज उठते हो वेकअप टिक 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 संडे को थोड़ा लेट हो जाते हो क्रॉस हर रोज़ ब्रश करते हो टिक 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 एक्सरसाइज हर रोज करते हो वेरी गुड ये भी हम क्या कर देंगे टिक अ बाथ हर रोज बाथ लेते हो दिस इज टिक वॉश योर हैंड्स वेरी गुड दिस इज आल्सो टिक ओके नेक्स्ट टाइडी एंड टाइडी आपको बताना है और उसे कलर करना है टाइडी रूम हमारा कौन सा है दिस इज़ द टाइडी रूम साफ सुथरा दिस इज़ अनटाइडी। वी हैव टू कलर इट कलर कर दे कर दीजिएगा अपनी पसंद के हिसाब से ठीक है एलिस और एलिना का रूम है एलिस रूम जो है टाइटी है सुंदर है और एलिना का रूम क्या है ये अनटाइडी है ठीक है ये सुंदर नहीं है क्योंकि इसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं फैली हुई हैं ठीक है तो हमें इस रूम को क्या करना है कौन से रूम को कलर करना ही है टाइडी yes, रूम को ठीक है इसको हम कलर करेंगे ओके उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या आ जाती है गुड हैबिट्स इन स्कूल स्कूल में क्या हैबिट्स होनी चाहिए कीप द क्लास रूम टाइडी क्लास रूम को साफ़ सुथरा रखें स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन वैन नॉट रिक्वायर्ड जब जरूरत ना हो लाइट्स और फैन को बंद कर दें क्लोजिंग वाटर टैप्स ऑफ द स्कूल स्कूल की वाटर टैप्स को क्लोज करें क्लोजिंग द विंडोज ऑफ़ देयर क्लास रूम वाइल लिविंग द रूम जब हम स्कूल को छोड़ें तो विंडोज़ को बंद कर दें हेल्पिंग इन चेकिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नेल्स ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन के जब यूनिफॉर्म और नेल्स चेक हों तो हेल्प करें चेकिंग द एक्स्ट्रा वेट ऑफ स्कूल बैग स्कूल बैग में एक्स्ट्रा वेट ना डालें अपने घर से जो है सिर्फ बुक्स कॉपीज और अपना लंच बॉक्स हैं की वाटर बॉटल यही चीजें लाए कोई टॉयस वगैरह डालकर ना लाए ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन आंसर वाई शुड वी एक्सरसाइज डेली हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए इफ़ वी डू एक्सरसाइज डेली इट विल मेक आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वाई मस्ट वी ब्रश अवर टीथ हमें अपने टीथ को ब्रश क्यों करना चाहिए इट मेक आवर टीथ क्लीन एंड जम्प फ्री ये हमारे टीथ को क्लीन और जम्प फ्री बनाता है वट मस्ट वी डू बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग खाना खाने से पहले और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग खाना खाने से पहले और बाद हमें अपने हैंड्स को साफ़ करना चाहिए राइट एनी फोर गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी कोई भी चार गुड हैबिट्स हमें बतानी है स्वस्थ रहने के लिए वेकअप अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना चाहिए गो टू बैड अर्ली एवरी नाइट हर रोज रात को हमें जो है सोने चले जाना चाहिए जल्दी डू नॉट बाइट योर नेल्स अपने नेल्स को नहीं काटना चाहिए डू नॉट कॉर्ल विद ईच अदर हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए राइट एनी टू गुड हैबिट्स या स्कूल ब्रिगेड स्कूल ब्रिगेड के रूप में दो गुड हैबिट्स कौन सी हैं स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन वैन नो वन इज़ इन द क्लास रूम जब कोई क्लास रूम में ना हो तो लाइट्स और फैन को स्विच ऑफ करना है क्लोज द रनिंग टैप जो रनिंग टैप्स से उन्हें हमें बंद कर देना है ठीक है वैल्यूएशन पेस्ट और ड्रा द पिक्चर्स ऑफ गुड स्कूल हैबिट्स थैंक यू वेरी मच बाय बाय हैव ए नाइस डे स्टे सेफ